नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बुलडोजर ने यूपी में सरगर्मियां बढ़ाई हुई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी बवाल कम नहीं है। जी हां, मध्य प्रदेश में एक बुलडोजर ने एक गरीब का घर तोड़ दिया, परिवार को बारिश के दिनों में सड़क पर भटकने को मजबूर कर दिया। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद मध्य प्रदेश में एक परिवार के साथ ऐसा अन्याय हुआ। सोचिए, जहां देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास, गरीबों को पक्का मकान, मजदूरों को रोजगार, हाथ ठेला वालों को कर्ज देकर रोजगार चलाने की गारंटी दे रहे हैं, फुटपाथ पर रोजगार करने वालों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वहीं गरीब का बना बनाया प्रधानमंत्री आवास तोड़ दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए कैसे मध्य प्रदेश में बुलडोजर के वार ने छीन ली गरीब की खुशियाँ। पन्ना के वार्ड नंबर 26 पुराना पन्ना में प्रधानमंत्री आवास को राशि नगर पालिका द्वारा जियो टैगिंग के बाद ही मिली। गरीब ने अपना पुस्तैनी कच्चा मकान तोड़कर कुछ पैसा स्वयं का लगाकर पक्का मकान बनाया, बनकर तैयार हुआ और तहसीलदार ने सरकारी कब्जा बताकर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। फरियादी सुनीता गुप्ता, पति जागेश्वर प्रसाद गुप्ता अपने परिवार के साथ निवास करती थी, नगर पालिका के सभी टैक्स अदा करती थी, पंचायत के द्वारा मकान बनाने की अनुमति भी थी। इन सब के बावजूद भी मकान तोड़फोड़ डाला, बरसात के मौसम में सिर छुपाने को भी जगह नहीं है। फरियादिया के पुत्र ने जो सच्चाई मीडिया को बताई वह तो और चौंकाने वाली थी। आप भी सुने फरियादा के पुत्र ने क्या कहा। आपने ज्ञापन दिया है, आज हम कलेक्ट्रेट परिसर में आए हुए हैं। हमारा मकान जो पुराने पन्ना वार्ड क्रमांक 26 में बना हुआ था, जिस दिन हम परिवार सहित बाहर गए हुए थे, उस दिन तहसीलदार के द्वारा और नगर पालिका की टीम के द्वारा मोहल्ले वालों ने हमें ये सूचित किया कि आपका मकान शाम को 5-6 बजे के बीच में गिरा दिया गया है पूरा। और जब हम लोग 7 बजे करीब वहाँ पहुँचे, बाहर से आए हम लोग, तो हम लोगों ने देखा वहाँ पे कि हमारा मकान ही गायब हो चुका है वहाँ पे, तो हम लोगों के होश उड़ गए उस समय। तो मोहल्ले वालों से हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने पूरी जानकारी दी हमको। तो उसके बाद अभी 2 दिन से हम लोग बिल्कुल सदमे में थे। आज हमने कलेक्टर साहब को आवेदन देने के लिए और न्याय संगत कार्रवाई करने के लिए, ऐसी बेंचशिफ्ट मानसिकता वाले अधिकारी जो शहर में घूम रहे हैं बुलडोजर लेके, जो किसी का भी घर ताला लगे हुए में भी करा सकते हैं, तो इससे सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है ऐसे अधिकारियों से। तो इसकी जानकारी देने हम कलेक्टर साहब को आए हुए थे और इसकी जानकारी अभी हम अपने माननीय सांसद जी को भी देंगे, अभी विधायक जी को भी देंगे कि इस तरीके से आवास योजना का बना हुआ मकान ताला लगा हुआ गिरा सकते हैं जब ये लोग, तो ये तो किसी गरीब का फिर रहना जीना मुश्किल कर देंगे। लोग वैसे ही अपनी बेरोजगारी से परेशान हुए हैं और महंगाई के दौर से जूझ रहे हैं, उसके बाद किसी का आशियाना गिरा देना, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी एक दुखद घटना है। पैसे की लेन देन वाली बात भी सामने आई, 7-8 महीने पहले से तहसीलदार साहब हमसे 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, तो जिसके एवज में हमने पटवारी जी, उनने बोला था कि हमसे पटवारी जी से मिल लो, हमने उनसे निवेदन किया था कि हम गरीब आदमी हैं सर और आवास योजना का बना रहे हैं तहसीलदार साहब से, बोले नहीं सेठ जी, हमें पता है आप कितने गरीब हो और 1 लाख रुपए तो लगेंगे, नहीं तो आपका मकान फिर हम बनने नहीं देंगे। तो हम डर गए फिर उस समय। किसके द्वारा कहा गया? तहसीलदार साहब के द्वारा, प्लाट पर आके ही, जब हमारी पहली किस्त आई थी तो हमने काम लगाया हुआ था, तो तहसीलदार साहब आ गए थे। तो कौन तहसीलदार थे? ये अपने प्रजापति जी थे, जो अभी पन्ना तहसीलदार साहब हैं वही थे। तो इनके द्वारा बताया गया कि आप इतने 1 लाख रुपए के दे दो तो हम देख लेंगे और पटवारी जी से मिल लो शाम को जाके। तो हम 2-3 दिन तो हम लोग शौक तो थे कि हमारा वैसे ही इतने बनाने में पैसा लगता है सब, 1 लाख रुपए आया है हमारा, 1 लाख रुपए की ये डिमांड कर रहे हैं। तो 3-4 दिन बाद हमारी माता जी बोली कि थोड़ा मिलाओ, ऐसा नहीं कि गिरा दें अपना, फालतू का नुकसान कर देंगे, अपन को तो रहना यहीं समाज में है और वो लोग अधिकारी हैं, तो अपन जाके मिले पटवारी जी से। तो पटवारी जी बोले कि 1 लाख रुपए तो देखो यार देना पड़ेगा तुमको, नहीं तो साहब बहुत कड़क स्वभाव के हैं और वो गिरा देंगे तुम्हारा मकान सरकारी बोल के। वो फिर वो उनके पास तो देखो दुनिया के साधन है, वो गिरा सकते हैं आपका किसी प्रकार। कितना पैसा दिया गया? तो हमने 10,000 रुपए दे दिए। हमने उनसे बोला सर हम और आगे आपको दे देंगे, अभी आप हमारा गिराना नहीं है, कुछ ऐसी कार्रवाई मत करना। किस माध्यम से दिए? ये मैं नगद दे आया था उनको, और इनसे नगद देने के बाद जब हमने 1-2 महीने हम इनसे मतलब दे नहीं पाए, सक्षम नहीं हुए फिर देने में हम पैसे आगे इनको, तो इनने हम तो टकराने दिए हमको एक जगह। तो बोले कि क्या हुआ तुम्हारा अभी तक पैसा नहीं आया, साहब गुस्से में है। तो हमें भी बहुत गुस्सा आ रही है, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, तुम बोल गए थे दोगे। तो हमने कहा चलिए ठीक है हम आते हैं। तो हम इनके पास गए तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हम इनसे मना कराए सर हमारे पास पैसे नहीं है, अब आप अब इतने में जितने हमने दे दिया आप इतने में, अब जैसा भी आपको उचित लगे तो करो।
तो जी बोले नहीं नहीं हम तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। तो हमने हाथ जोड़े और निकल आए अपना, हमने कुछ नहीं बोला कि हमें आप दो वापस या कुछ भी करो। तो इन्हें फोन पे के माध्यम से मई महीने में हमें 10,000 रुपये वापस कर दिए थे। तो अपन ने कुछ नहीं बोला, हमने कहा चलो देखेंगे भाई कुछ। अपन तो इनने कोई कार्रवाई भी नहीं की मई महीने से, अपन शांत हो गए। तो इनने सडनली अभी कारण बताओ नोटिस दिया और सीधे बस दो पेशी हुई 21 तारीख को 22 तारीख को 23 तारीख को, बस सीधे जाके पता ही नहीं चला कब मकान शाम को। कहीं ना कहीं 1,00,000 रुपए आप दे देते तो आपका मकान सुरक्षित रहता। अब वो ही मकान बेच नहीं पड़ता तब ही दे पाते हम। अब वो पूरा धराशाही कर दिया। किसके नाम से मकान है? माता जी के नाम से है। क्या नाम है? सुनीता गुप्ता। किस जगह पे? लाडली बहना के, उससे उनको निकला था वो, लाडली बहना के मकान के रूप में उनको निकाला गया था, वो पूरा ढा दिया गया। आपको बिना नोटिस दिए? बिना, हमें कोई जानकारी नहीं है। जानकारी होती तो हम अपना सामान वामान सब निकालते, ताला थोड़ी लगे रहने देते। या वो बता देते कि भाई 13 तारीख को गिर जाएगा आपका, तो अपन उस हिसाब से रहते। कोई जानकारी नहीं है, आए बस गिरा के ताला बंद में गिरा दिया हमने पूरा। अब अपन अब क्या चाहते हैं आप? अब हम न्याय चाहते हैं कि हमारा जो मकान गिरा दिया है उसका हमें उचित जो भी शासन की तरफ से वो मिले मुआवजा वगैरह, और हमारे यथावत खर्चे में बनाने की अनुमति दी जाए वहाँ पर। धन्यवाद। नाम बताएं अपना। जितिन गुप्ता। हितग्राही ने पहली किश्त में रिश्वत के 10,000 रुपए नगद देकर बाकी शेष 90,000 की रकम बाद में देने का अनुरोध किया था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद में शेष 90,000 रकम नहीं दिए जाने के कारण तहसीलदार पन्ना ने 2 नोटिस जारी कर पेशी पर किया तलब। पन्ना पटवारी द्वारा उक्त रिश्वत की नगद में रूप में ली गई राशि फोन पे के माध्यम से हितग्राही को वापस की। सवाल ये उठ रहा है कि जियो टैग होने के बावजूद भवन निर्माण की स्वीकृति, नल कनेक्शन की स्वीकृति, लाइट की स्वीकृति, भवन प्रमाण पत्र, नगरपालिका की टैक्स रसीद, मकान की फोटो सहित सारे दस्तावेज थे हितग्राही के पास, इन सब के बावजूद आखिर प्रधानमंत्री आवास के मकान पर क्यों चलाया गया बुलडोजर, ये बड़ा सवाल है। इससे साफ जाहिर होता है नाप का सफाई दरोगा चौरसिया सीएमओ और तहसीलदार पटवारी को रिश्वत ना देने के कारण गरीब के प्रधानमंत्री आवास पर सोची समझी साजिश के तहत अवैध अतिक्रमण के नाम का सहारा लेकर हितग्राही के ताले लगे मकान पर सामान सहित पीएम आवास के मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के अंतर्गत हितग्राही सुनीता गुप्ता का पीएम आवास पास हुआ था। अब सवाल के घेरे में जिला प्रशासन की अवैधानिक कार्यवाही है। पन्ना से सीनियर संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। अब इस मसले में ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कहा जा सकता है कि अब पन्ना कलेक्टर और पन्ना विधायक को चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास को जमींदोज करने वालों पर दंडनात्मक कार्यवाही करें और गरीब के गिराए गए प्रधानमंत्री आवास को पुनः बनाने की राशि जारी करें। हालांकि पन्ना में लगभग 3,000 से अधिक आवास बने हैं, अनेकों अधूरे हैं जिनकी राशि भी बगैर रिश्वत के जारी नहीं की जाती। अब सोचने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उसके बाद भी ऐसी खबरें आना वाकई हैरान करती हैं जो भ्रष्टाचार मिटाने का दावा करती हैं। उसी की सरकार में एक गरीब का घर मनमाने अंदाज में जमींदोज कर दिया जाता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।